वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों की, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया होगा। स्वेल हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं बीजीएमएस के साथ। एंड बीजीएमएस के हमें टॉप 16 फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। एंड कल के दिन हमें यहाँ पर चार टीम का एलिमिनेशन देखने को मिला बीजीएमएस से। एंड टीम जी वशिष्ठा फॉरएवर और आरएनटी का एलिमिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला। एंड एलिमिनेटेड प्लेयर्स भी यहाँ पर वेन्यू पर काफी ज्यादा इमोशनल हमें देखने को मिल जाते हैं। उनके आंसू निकल रहे हैं प्लेयर्स के, एंड ऑल सेंसे भी अंदर से रो जरूर रहे हैं, बट ही डज नॉट शो इट ऑन द कैमरा। ही इज स्ट्रांग इनफ, लाइक अपने माइंड में जो स्ट्रेंथ होती है वो है इस इंसान की। एंड नॉट फॉर हिमसेल्फ, इट्स फॉर द अदर थ्री प्लेयर्स दैट आर देयर। इतनी बार हो चुका है और हमेशा वही। एंड इस समय आई एम लिटरली स्पीचलेस। कुछ नाम ऐसे हैं जो यहाँ पे सब देखना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ से आगे अब हमको जाते हुए नजर नहीं आएंगे। एंड ऑफ कोर्स यू टॉकिंग अबाउट दोज इमोशंस, दे आर ऑन फुल डिस्प्ले टुनाइट। एग्जैक्टली, व्हाट ऑल डू दे हैव एट द एंड ऑफ द डे? अपने मोबाइल फोन पर बैठे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, खुद को खुद से बेहतर करने की कोशिश में बैठे हुए ये खिलाड़ी खाना पीना भूल जाते हैं, जिंदगी भूल जाते हैं। एक 6 इंच की स्क्रीन ने ना जिंदगी भर के सपने दिखा दिए थे। एग्जैक्टली, वो 6 इंच की स्क्रीन इनको जिंदगी भर के सपने ऐसे दिखा रही है। बस देखना यही है कि क्या आगे की जर्नी रहेगी। बट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स, इमोशंस, वो इमोशनल टर्मोइल फिक्सेस जिसकी हम बात करते हैं from Team Forever right now, Revenant as well. And इसके साथ ही साथ यहाँ पर from TZ Scout का इंटरव्यू हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जहाँ पर Scout से एक सवाल रेस किया जाता है कि यार जो rumors आ रही है कि ये टूर्नामेंट Scout का लास्ट टूर्नामेंट हो सकता है, क्या ये बात सच है? Then यहाँ पर वो इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्स देते हुए नजर आ जाते हैं। था वो वैसा नहीं मिला आपको, लेकिन उसके बावजूद Scout एक rumor चल रहा है, and I just wanted to clear it. The announcement आई that ये Team Z together last tournament, क्या ये Scout का भी last tournament है? वो clear कर दो बस। नहीं यार, आई डोंट थिंक से मेरा लास्ट टूर्नामेंट है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो जवानी बाकी है। बट हाँ, टीम जी लाइक सब लोग ने इस टीम की जर्नी देखी है फ्रॉम BGIS टू मास्टर सीरीज लैन, अब अगला ऑफिशियल्स आ रहा है। सो टीम ने एक साथ आके डिसीजन लिया कि यार हम लोग कुछ तो मिस्टेक हो रही है। सो टीम जी का लास्ट टूर्नामेंट नहीं है, बट यस प्लेयर्स का लास्ट हो सकता है, क्योंकि देर विल बी न्यू एडिशंस, सम फेसेस यू विल सी विच आर नेवर सीन अराउंड मी, वो नए फेसेस आ सकते हैं, कुछ फेसेस जो मेरे साथ बहुत महीनों से थे वो जा सकते हैं। तो या इट्स अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, सम पीपल कम सम पीपल लीव। बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो कल के दिन हमें यहाँ पर एक गॉड लाइक की तरफ से एक अच्छा कमबैक देखने को मिला, जहाँ पर उनकी तरफ से एक विनर चिकन डिनर हमें देखने को मिला। एंड इसी चीज को लेकर के एंकी बॉट से एक सवाल रेस किया जाता है कि यार ये जो चिकन डिनर आया है इसका काफी ज्यादा क्रेडिट जाता है गॉड लाइक के कोच को, जो कि अब गॉड लाइक का पार्ट नहीं है। देन गॉड लाइक के कोच ने अब लीव क्यों किया, बिकॉज सब कुछ तो परफेक्ट चल रहा है। देन एंकी भाई यहाँ पर इस चीज के ऊपर रिस्पॉन्स देते हुए नजर आ जाते हैं। कोच का क्या सीन है यार? मतलब मेरे को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता इस बारे में, मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बट देन मतलब हम इन वाले कोच को ट्राई कर रहे थे जितना मेरे को पता चला, एंड देन ठीक है कुछ चीजें बहुत बढ़िया जा रही थी, कुछ चीजें उतनी ठीक नहीं जा रही थी, एंड देन मैनेजमेंट का डिसीजन है यार। तो इसमें इतना मतलब इस चीज को इतना हाइप करने की क्या बात है भाई? ठीक है मतलब, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ बीटी वाला जोन है, कुछ है, इट्स ऑल पॉजिटिव भाई। भाई आप कोच बन जाओ गॉडल के, अरे दादा नहीं ये मत करो। जो मेरा जिस चीज में मुझे पता है मेरा फोर्टे नहीं है, वो मैं क्यों ही कर पाऊंगा भाई। प्लस यहाँ पर वो स्लग वाला मैटर भी एड्रेस करते हैं कि यार पैन फिश के बाद जो स्लग को हेट गया था, उस चीज के बारे में एंकी बॉट बात करते हैं कि यार पैन फिश ने सब गेम का पार्ट होता है, एंड कभी इन फ्यूचर गॉड लाइक को कोई टीम पैन करे या गॉड लाइक किसी को पैन करे, देन वहाँ पर हेटरेट को क्रिएट मत होने दो। ई से रिवेंज चाहिए। अबे यार भाई ये क्यों नहीं यार, ये बहुत गलत है। वेट, जी से रिवेंज चाहिए क्या होता है यार भाई? इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम राइट, पैन करना, मेले वेपन से मारना, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। प्लीज वहां मत जाओ यार, मतलब प्लीज यार ये तो गलत बात है, मेरे ख्याल से ये गलत है भाई। पैन, अच्छा तुम खुद बताओ यार, पैन वैन करते हो तो इट्स लाइक यू नो एक मे बी राइवलरी क्रिएट हो रही है, मे बी इन गेम राइवलरी, और वो बढ़िया, इट इज पॉजिटिव, इट इज गुड फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द कम्युनिटी, एवरीथिंग। बट कोई पैन कर दे उसको जाके भर दो, मेरे पर्सपेक्टिव से तो गलत है। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो रिसेंटली सरकार जब लाइव होते हैं तो यहाँ पर वो BGMS के टीम आपको एक्सपोज करते हुए नजर आ जाते हैं। बेसिकली वो एक एलिगेशन लगाते हैं ओवेस के ऊपर, जहाँ पर उनका मानना है कि ओवेस जैसे कि CG के कोच है, एंड वी नो ओवेस इज अ पार्ट ऑफ टीम फॉरएवर एज वेल। एंड सरकार यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे OB यानी वन ब्लेड को बैक टू बैक इन गेम टारगेट किया जा रहा था। एंड अगर आप BGMS फॉलो कर रहे हो एंड डेली मैचेस देख रहे हो, देन आपने नोटिस करा होगा OB की फाइट इनके साथ काफी ज्यादा ही हो रही थी। CG टारगेट क्यों कर रही थी? क्योंकि क्या बोलती पब्लिक, उनका कोच है और हर मैच के बाद बैकएंड में जाके क्या बोलती पब्लिक, उनको बता रहे थे। देखो रिपीट करो एक बार। देखो तो अभी बहुत लोग आके मेरे को इंस्टा पे बोल लेते हैं तुम मोबाइल बाइक के लिए स्टोरी क्यों डाले, ये क्यों डाले। तो मैं तुम बहुत सिंपल चीज बताता हूँ, मिनामर हमारा पिकाडो ड्रॉप है, सबको पता है। जब हमारा मन करेगा हम आएंगे, जब हमारा मन नहीं करेगा हम नहीं आएंगे, ठीक है।
तो अभी बेसिक से क्या चीज थी, जब जो राउंड हम खेल रहे थे जितने भी राउंड थे, चाहे वो डोमिनेशन वीक हो सर्वाइवल वीक हो, जो हमें ट्राई करना था हमने करा, बाहर तो कोई हो नहीं रहा था, तो हम अपना पिकाडो भी आए थे और क्या बोलते हैं अपने भी ड्रॉप पे गए थे, तो सीन ऐसा था कि ओवेस भाई हैं सीजी के कोच, ओवेस भाई बैकेंड में जाते हैं, टीम मर जाती है तो चिल्लाते हैं फ्री की गाली गलौज फलाने टाइम का ना जो भी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुमको बैंटर करना है बैंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम इतनी सी मतलब एक जो क्वालिफायर से टीम आई है तुम उससे ट्रिगर हो गए हो, ठीक है तुम इतना ट्रिगर हो गए हो कि तुम क्वालिफायर, मतलब देखो टारगेट करना होता ना मैं डे वन, अभी हम ये कौन सा भी चला प्ले ऑफ में मैच वन से हम कूद सकते थे पिकाडो और उनके भी ड्रॉप पर जा सकते थे, बाहर होना होता हो जाता है, बट जो छपरी वाली हरकत करी है ना उन्होंने डे टू में भाई, मतलब देखो मैं रिस्पेक्ट करता था उस बंदे की बीजेएमएस से पहले, बहुत रिस्पेक्ट करता था कि भाई अच्छा बंदा है हमल बंदा होगा, बट उसकी हरकतें जो लाइन पे करी है उसने बैकेंड में चिल्लाना फलाना, चलो चिल्लाओ भाई अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है, तुम भाई आ रहे हो और मतलब हमने तो अभी तक तो कुछ करा भी नहीं था, हमने तो कुछ बोला ही नहीं था भाई तुमको ना तुम्हारी टीम से, वो तुम्हारे ड्रॉप पे पिकाडो आएंगे ऑब्वियसली बात है, और तुमको टारगेट करवाना है करवा लो भाई, तुमको कर्मा मिल गया होगा, तुम्हारी टीम कहाँ है, कल वापस जाना होगा घर, कैब आएगी, तो ओवेस को क्यों टारगेट किया, क्योंकि आपके ओवेस भाई सीजी को थोड़ा वो कर रहे थे कि जाओ इनको बाहर करो बाहर करो, ना तो उनकी सीजी बाहर कर पाई ना तो उनकी टीएफ क्वालीफाई कर पाई, मैं तो मुंह पे बोलूंगा भाई, क्योंकि तुम अगर टारगेट करने आ रहे हो बैकएंड में इतना कूल बन रहे हो चिल्ला रहे हो और सोशल मीडिया पे हंबल हो गए भाई, हंबल हो गए तुम बहुत लोगों के लिए, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटे टीम फर्क चौक देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे को कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उस बंदे से ओवेस से, ठीक है मैं पहले भी उससे बात करता था, हेलो चलती थी हमारी, बट अभी जो हरकत करी है तो ऑब्वियसली बात है यू डिजर्व इट, अभी चाहे मैं यहाँ से 16 पे बार हूँ मेरे को कोई गम नहीं रहेगा, बट हाँ कर रहा है मेरे टीममेट ने मेहनत करी है, उन्होंने चार मैच में टारगेट किया ना, क्या हाँ हर गेम में चार मैच में टारगेट किया, टीम को ट्राई करा अपनी सेकंड टीम को क्वालीफाई कराने का, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करा पाए, प्यार ज्यादा था दोनों टीम में, प्यार ज्यादा था, बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाई थी बट फेल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, उसने गाली भी दी क्या, हाँ दिया है बैकस्टेज में दिया है, इसलिए हर जगह से लात खाता है, अब मेरे को नहीं फर्क पड़ता ब्रो सच बता रहा, मेरे को मेरी टीम को घंटा फर्क नहीं पड़ता, बोलना होता जिस दिन डे वन से वो बंदा चिल्ला चिल्ला रहा था उस दिन से बोल देता, बट किसी ने कुछ नहीं बोला, हम वेट कर रहे थे इस मोमेंट का, ठीक है ये रिंगिंग इशू नहीं है, ये भी वही है कि एक कोच दो टीम से, देखो एक कोच दो टीम से कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो कर रहे हैं, सब हंस रहे थे पीछे जो बैक स्टेज में हमारा एडमिन खड़ा था उसको एक चीज़ें पता है वो भी देख के हंस रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कर्मा होता है भाई, ऑलवेज बिलीव इन कर्मा, तुमने इतना बकचोदी करा है तुमको मिल गया होगा, हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमें तो किसी को टारगेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, रही बात भाई ओवेस भाई को बुरा लगा तो ओवेस भाई दिल से सॉरी, कोई दिक्कत कैब हम लोग करवा देंगे, नहीं नहीं कैब तो उनकी आ गई होगी ब्रो, स्काउट भाई ने पोक तो नहीं किया, स्काउट भाई बहुत हम्बल है, जॉनी भी बहुत हम्बल है, सब अच्छे से मिले गेम के बाद, सब अच्छे से मिले सबसे बात भैया ओपी भाई, देखो तीन टीम को दिक्कत थी हमसे वेलैंड पे पूरे, सीजी वशिष्ठा और ये पब्लिक भाई की टीम को, अब तीन में से दो तो बाहर हो गई है, की बची है कोई दिक्कत नहीं है, बुरा लगा यार जब सीजन आपको टारगेट किया, कोई बात नहीं अभी ओवेस भाई को बुरा लग रहा होगा, समय समय की बात है, कभी उलट पलट होता रहता है, देखो उलट पलट होता रहता है, मतलब कभी वो कभी मैं, हमें भी बुरा लग रहा था कि भाई हम टारगेट तो नहीं किए, हम तो अपने ड्रॉप पे गए थे, उसके साथ कर्मा हो गया कोई ना छोड़ो, ऑब्वियसली बात है कि डिजर्व इट, फाइनल से विदाउट एनी ग्रजेस खेलो, हाँ विदाउट एनी ग्रजेस ही खेलना हमको ऐसा दिक्कत नहीं, बट अगर एक मैच भी ड्रॉप पे वो आए हमारे तो भाई फिर सोच लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है सुलाने में, वशिष्ठा क्यों क्या बता भाई, क्योंकि ओवेस भाई के दोस्त थे ना वो भी मैनेजमेंट, वशिष्ठा वाली ओवेस भाई के साथ बैठती थी और एक साथ हूटिंग करते थे वो लोग, क्या बोलती तुम्हें फ्री किल कहते थे भाई वो लोग, बता रहा हूँ फ्री किल बोलते थे और गाली वाली देते थे, सुना हमारे बंदों ने, ओवेस भाई सीजी के पास जाते हैं और उनका बोलना होता है कि भाई जाओ इनको बाहर करो, अब क्या पता वो अपनी टीम को क्वालिफाई कराने के लिए बाहर कर रहे थे, क्योंकि देखो मैचेस खत्म हुए पावर ने बोल दिया सीधा सीधा भाई हमसे तो करवाया गया है, अब करवाएगा कौन, पब्लिक ही करवाएगी, क्या बोलती पब्लिक, वशिष्ठा के प्लेयर्स कुछ बोले या मैनेजमेंट, हाँ उनका मैनेजमेंट ओवेस भाई के साथ बहुत खुश रहता था मरने पर, वो लोग मतलब वशिष्ठा मार दे हमको, या पता क्या एक दिन हमने बाउंटी मारी थी ठीक है और वशिष्ठा को मारी थी जो रीमैच हो गया था, इतने खुश हुए थे ना वो, इतने खुश मतलब जैसे लग रहा टूर्नामेंट जीत गए थे बैकएंड में पूरी मैनेजमेंट ऑल्सो इन एलिगेशन के चलते ओवेस यहाँ पर कम्युनिटी टैब पर रिप्लाई देते हुए नजर आ जाते हैं, मतलब अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर रिप्लाई देते हैं जहाँ पर वो ये बोलते हैं डोंट वरी एक्सप्लेन करूंगा बोलने दो झूठ विदाउट नोइंग विदाउट कुछ जाने सोचे स्ट्रीम पर बजने का बस क्वालिफाई किया हो अच्छी बात है बट उसको अपने सर पर चढ़ने मत दो ऑल द बेस्ट फॉर द फाइनल वेल इस चीज को लेकर के आपको क्या कहना है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो बाकी इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं भी चलता हूं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में साइनिंग ऑफ